अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल करम से। मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया था नवाबी सेवैयाँ, क्योंकि ईद आई थी, सोचा कि कोई ऐसी स्पेशल डिश बनाई जाए जो आप लोगों से शेयर की जाए, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि ईद के फर्स्ट डे हर घर में सेवैयाँ लाजमी बनती, क्योंकि वो डिफरेंट स्टाइल से बनाई जाए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। मेरी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले रुक जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कीजिएगा। चल चलते हैं अपनी वीडियो की जन्म। यहाँ पर सबसे पहले 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था, एक पैन में शामिल कर उसको थोड़ा सा प्रीहीट कर लिया। उसके बाद में सेवैयाँ शामिल की और सेवैयों को हमने थोड़ी देर फ्राई किया। जब थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और फ्लेम को नॉर्मल ही रखना है, ज़्यादा तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपकी सेवैयाँ जल जाएंगी और आपका जायका बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेवैयाँ हम लोग की फ्राई हो चुकी हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है और मैंने जैसे फ्लेम ऑफ़ कर दिया। उसको थोड़ा सा मैं ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा इसलिए कर रही हूँ ये बाद में बताती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठंडा मैंने इसलिए किया था कि इसमें मैंने डाला था 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, कोई भी मिल्क ले लीजिए। मैंने तो यहाँ पर नीडो लिया था, तो फिर बाद में शामिल किया 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शुगर शामिल किया। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, इतना अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि ये सारे आपस में जगड़ जुड़ के अच्छी तरह से सीधी हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से ये मिक्स हो रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। तो जब ये सारे मिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह से लड़ लेंगे तो सही हो जाएंगे, तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी जो चीज़ें इसके तरह से मिक्स हो जाए। तो उसको मैंने साइड पे कर दिया था। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गई। यहाँ पे मैंने लिया था 1 लीटर दूध, जिसको मैंने थोड़ा सा बॉयल किया है। बॉयल जब थोड़ा सा हो गया था, इसमें मैंने 1/2 कप के बराबर इसमें मैंने शामिल किया कंडेंस मिल्क शामिल किया, शुगर बिल्कुल भी नहीं शामिल की। शुगर अगर आप चाहते हैं डालना, लेकिन मैं वैसे आपको यही कहूँगा इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं डाली, कंडेंस मिल्क डाली। अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो मीठा इतना ही ठीक है, क्योंकि जब सेवैयों में हमने 4 टेबल स्पून की शुगर शामिल किया तो वो इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून के करीब दूध लिया था, कस्टर्ड फ्लेवर लिया था, मैंगो फ्लेवर का, जिसमें मैं दूध में इस तरह से मिक्स करके तो उसमें मैं डाल रही हूँ। तो उसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी, इतना पकाऊंगी जब ये गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको बंद करेंगे फ्लेम को। लेकिन फ्लेम को भी बंद नहीं करी, क्योंकि अभी ये अच्छी तरह से पक रहा है, थोड़ा सा थिक हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैंगो फ्लेवर नहीं वनीला फ्लेवर, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कोई भी यूज़ करना चाहते कर सकते हैं, आपकी अपनी ही चॉइस है। लेकिन मेरे बच्चों को मुझे मैंगो फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें मैंगो फ्लेवर ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक हो रहा है, तो फ्लेम को बंद कर दिया था ऑफ। तो यहाँ पे उसी स्टेप मैं आ गई, जिसको मैंने अच्छी तरह से जगड़ जुगड़ के वो सीधे हो चुके हैं, देख सकते हैं सारे आराम से बैठे हुए हैं। तो उसको मैंने एक साइड पे बड़ा करके एक लिया था बॉल, ले लिया उसके अंदर मैं उसको डाल के, तो ग्लास के साइड दूसरी साइड से इसको अच्छी तरह से प्रेस करें, इतना अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि एक नीचे लेयर बैठ जाए, सख्त लेयर बैठ जाए, ताकि हम जब वो दूसरा कस्टर्ड का जो मटेरियल इसके ऊपर डालेंगे तो ये लेयर बिल्कुल भी हिले नहीं। तो यहाँ पर जैसे अच्छी तरह से मैंने एक लेयर को बैठा लिया, तो वो जो कस्टर्ड बनाया था वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। लेकिन इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ठंडा करेंगे वो थिक हो जाएगा, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं बनेगी। इसलिए हमने इसे नॉर्मल ही इसके ऊपर डाल देना सारा। जब ये सारा इसके ऊपर हम डाल जाएगा तो आपको दिखाती हूँ इसके ऊपर से हम डेकोरेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको सारा मैंने डाल दिए। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको फ्री में देखने में मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने जो थोड़ा सा बचा कर की थी सेवैयाँ, तो वो मैं इसके ऊपर साइडों पे डाल रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही यमी सी ये रेसिपी बनी थी, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट स्टाइल की सेवैयाँ देखने में मिले, कस्टर्ड डिफरेंट स्टाइल में मिले, तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अपने बच्चों को लाजमी बना कर दें और ईद पर बनाइएगा। ईद पर सब भी बहुत खुश हो के खाएँगे, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे तो सेवैयाँ हर घर में बनती हैं, तो क्यों ना उसको डिफरेंट स्टाइल में बनाया जाए, ताकि थोड़ा सा देखने में भी ज़बरदस्त लगे और खाने का भी दिल करें। यहाँ पर देख सकते हैं इसे देखने में दिल कर रहा था इसको खा लें, लेकिन इसको हम ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी डेकोरेशन करके इसको हम फ्रिज में रखेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी सेवैयाँ, फिर उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो कैसी लगी मेरी नवाबी सेवैयाँ? तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह की आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। मेरी वीडियो मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती हैं तो लाजमी मुझे बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।